विंग्स लाइफस्टाइल ब्रांड ने अपने नए गेमिंग नेकबैंड मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, दैट इज विंग्स फैंटम 205 गेमिंग नेकबैंड, और इसका लॉन्च प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 1300 रुपए है। ये 29th of May तक इसका प्राइसिंग, उसके बाद प्राइसिंग बढ़ के 1500 रुपए के आसपास हो जाएंगे। और मैं इसको लगभग 2 दिन से प्रॉपर तरीके से इसे ग्रिलिंग कर चुका हूं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं भाई, मैं इससे काफी हद तक इंप्रेस हुआ हूं। इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिलने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिस्पॉन्सिव, डेडिकेटेड आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, एक एक आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी इस नेकबैंड के बारे में डिटेल तरीके से इस वीडियो में, ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर पाए कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको विंग्स फैंटम 205 गेमिंग नेकबैंड का ऐसा बिल्कुल आपको डिसेंट से आपको पैकेज मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, स्कैन करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, एक टाइप सी का चार्जिंग केबल एंड सम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, और आपको यहाँ पे ईयर फिन्स भी मिल जाएंगे फॉर सिक्योर फिट। मेन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग, और आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन आपको काफी रिफ्रेशिंग मिल जाएगा, इसको आप फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर पाएंगे, ऐसा कोई बिल्ड क्वालिटी में दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। एंड यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं टच सेंसर्स, यहाँ पे आपको विंग्स ब्रांडिंग मिल जाएगी, टच सेंसर्स काफी रिस्पॉन्सिव है, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट टू चार्ज योर नेक बैंड, प्रॉपर यहाँ पे आपको कवर भी मिल जाएगा टाइप सी के पोर्ट का, लेफ्ट साइड यहाँ पे मेंशन किया गया है। राइट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली विंग्स की ब्रांडिंग मिलने वाली, ऐसे कोई डेडिकेटेड बटन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, पूरी आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी की। एंड नीचे साइड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे पतली सी वायर्स नेक बैंड के, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेटलिक बर्ड्स आपको बिल्कुल प्रॉपर फिनिश के दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ऑफ का फीचर भी दिया गया है, विंग्स की ब्रांडिंग दोनों ही जगह लगी हुई, यहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा आपको फिन्स भी मिलने वाला है फॉर सिक्योर फिट। एंड अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं तो सिंपली आप मैग्नेट्स को अलग कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विकली ये लास्ट पे डिवाइस से फटाफट कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा, यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। एंड फिर से अगर आप बर्ड्स को वापस जोड़ देंगे तो एक क्विकली डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, सो इसका जो मैग्नेटिक ऑफ फीचर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। एंड अगर आप प्रॉपरली सिक्योर तरीके से नेक पे इसको प्लेस करेंगे, प्रॉपर ईयर कफ्स लगाएंगे, सिक्योर तरीके से फिन से इसको कानों को पैक करेंगे, तो बिल्कुल आपको सिक्योर फिट मिलने वाला है, कानों को बिल्कुल सही तरीके से ये होल्ड करता है, बाहर की मैक्सिमम नॉइज भी कैंसिल कर देगा ईयरबड्स लगाते से ही, नेकबैंड लगाते से ही। एंड अगर आप हैवी वर्कआउट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, जॉगिंग करते हैं, मैंने बहुत कोशिश करी कानों से बिल्कुल ये गिरे ही नहीं, परफेक्ट आपको इसमें लाइट वेट नेकबैंड भी मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस पार्ट की, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा, टच कंट्रोल्स के साथ ही आता है, कॉल वाइब्रेशन अलर्ट्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलने वाला है जिसमें आपको 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी मिलने वाली है गेमिंग के टाइम पे, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलेगा फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। एंड इसमें आपको मैसिव 50 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल सकता है अगर आप म्यूजिक को 50 या 60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट्स के चार्जिंग में आपको अप्रॉक्सिमेटली 10 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल सकता है विद दिस गेमिंग नेक बैंड। यार मुझे नहीं लगता कि 1500 रुपए के अंदर मार्केट में कोई और दूसरा ब्रांड इतने सारे आपको बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेटेस्ट आपको ब्लूटूथ वर्जन मिल जाएगा, इसमें आपको सेंसर्स मिलने वाले हैं, टच सेंसर्स, कॉल वाइब्रेशन का अलर्ट मिल जाएगा, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा, मैसिव आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी अगर आप म्यूजिक को 50-60% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो। दूसरे ब्रांड मुझे नहीं लगता कि 1500 रुपए के अंदर इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट फीचर्स मिलने वाले हैं, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड अगर हम बात करेंगे इसके टच सेंसर्स को लेकर, बिल्कुल आपको एक ही आपको टच सेंसर मिलने वाला है यहाँ पे, इससे आप सारे के सारे फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे, थोड़े अतरंगी तरीके से यूज होते हैं, उसका भी ओवरव्यू ले लीजिए ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे ये वर्क करते हैं। अगर आप टच कंट्रोल के एरिया को सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा, डबल टैप करने से ये नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, ट्रिपल टैप करने से ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। एंड वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए अगर आप डबल टैप करके ऐसे तुरंत लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम तुरंत डिक्रीज होती जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे और तुरंत लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पे लॉन्ग होल्ड करके रखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी, इस तरीके से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे। एंड इसको अगर आप सिंगल टैप करके फिर तुरंत लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से फिर आप कमांड दे सकते हैं। एंड किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, सिंगल टैप करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए सिंगल टैप करेंगे कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, 2 सेकंड्स के लिए आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे यहां पे तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप इसी बटन को 5 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, डेडिकेटेड गेमिंग मोड जो दिया गया है उसमें एंटर कर जाएगा, फिर से आप 5 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये गेम मोड से एग्जिट कर जाएगा, म्यूजिक मोड में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, इसका जो गेमिंग मोड ऑन करके हम करेंगे BGMI गेम टेस्ट, फिर हम डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली आपको गेम आउटपुट कैसे मिलने वाला है।
सर कंपनी ने क्लेम किया आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिलने वाली है, मेरे को बिल्कुल जस्टिफाइड लगी, मुझे ऐसा कोई लैग फील नहीं हो रहा था। बिल्कुल जब मैं गोली चला रहा था तभी मुझे एक्जैक्टली उसी टाइम आवाज आ रही थी। लेफ्ट राइट का सेपरेशन भी आपको परफेक्ट मिल जाएगा, अच्छा आपको ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा गेमिंग के टाइम पे। आप पता कर पाएंगे एनिमीज कहां से आ रही है और गोलियों की आवाज बिल्कुल आपको सटीक सुनाई देगी। इसको आप डेफिनेटली अगर आप हार्डकोर गेमर है डेडिकेटेड गेमिंग के लिए नेकबैंड कंसिडर करना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, इसको आप डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। ये लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको नेकबैंड अच्छा लग रहा है तो ब्रांड को तो लाइक बनता ही और हमको भी लाइक बनता है। और लगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है, थैंक यू। बात करेंगे इसके म्यूजिक एक्सपीरियंस की। इसमें आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, अच्छी आपको एडिकेट लाउडनेस मिल जाएगी, कानों को बिल्कुल सही तरीके से ये पैक करते हैं, सराउंडिंग आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ट्रेबल्स को लेके, वोकल की क्लैरिटी को लेके, इंस्ट्रूमेंट को सेपरेशन को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, फुल वॉल्यूम पर आप डेफिनेटली सुन पाएंगे। इसमें आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा म्यूजिक पार्ट को लेकर। बेस की बात करेंगे, इसमें आपको बेस अच्छा मिलने वाला है, अगर आप बिल्कुल पंचीनेस के साथ प्रॉपर आपको बेस इफेक्ट चाहिए, बहुत सारा सराउंडिंग एक्सपीरियंस नहीं है बेस का, लेकिन आपको हाँ लगेगा प्रॉपर पंचीनेस मिल रही है, जब बेस इफेक्ट आएंगे आपको लगेगा पंचीनेस के साथ आपको बेस इफेक्ट सुनाई दे रहे हैं। इसमें आपको बेस भी काफी तक इंप्रेसिव मिल जाएगा। मेनली आप बेस लवर हैं, इसको आप डेफिनेटली अच्छे बेस के लिए भी ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट में। मैंने फ्रेंड से बातें की थी आउटडोर कंडीशन में, वो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा एक्जेक्टली आपको कॉल आउटपुट कैसे मिलने वाला है। हाय सिद्धांत, कैसे हो भाई? मैं बढ़िया भैया। बढ़िया यार, अभी ना विंग्स की तरफ से विंग्स फैंटम 205 नेकबैंड लॉन्च हुए हैं, मैं उनसे लगा के आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अपनी आउटर कंडीशन में हूँ। आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है? आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ये पीछे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हवा की आवाज, पीछे गाड़ियों की आवाज आ रही है आपको? हवा की आवाज तो आ रही है थोड़ी बहुत। ओके, और बैकग्राउंड एक्टिविटीज जो नीचे कबाड़ी वाला जहाज की आवाज आ रही है आपको? हाँ, बहुत धीमे धीमे थोड़ी बहुत आ रही है। मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस है? आपकी 80% फोकस है। ओके, ओवरऑल कॉलिंग कैसी है वैसे? कॉलिंग बढ़िया है। ओके ओके सिद्धांत, थैंक यू। कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको अंदाजा लग सकता है एक्जैक्टली साहब आउटपुट कैसे मिलने वाला है कॉलिंग का। मैं अपने टेरेस पे खड़े होकर बातें कर रहा था, सामने वाले को फोकसली मेरी आवाज 70-80% सुनाई दे रही थी, हालांकि वहां काफी हवा भी चल रही थी, नीचे एक्टिविटीज भी हो रही थी काफी, साइड में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, 20-30% उसको बैकग्राउंड नॉइस पता चल रही थी, लेकिन मेरी आवाज पे 70% फोकस था। इसका जो ENC फीचर है सही तरीके से वर्क करता है, इनडोर कंडीशन में आपको परफेक्ट कॉलिंग मिल जाएगी, आउटडोर कंडीशन में थोड़ी बहुत उसको बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है। एंड इसमें आपको मिलने वाला है कॉल वाइब्रेशन का अलर्ट, जो लेफ्ट साइड दिया गया है नेकबैंड का प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपको वाइब्रेशन अलर्ट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको पता चल जाएगा एक्जैक्टली जब किसी का कॉल आएगा तो प्रॉपर तरीके से वाइब्रेट भी करता है। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9.5 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड। जस्ट 1300 रुपए इसका लॉन्च प्राइस है, प्राइसिंग बढ़ के इसके 1500 रुपए हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 1500 रुपए के हिसाब से मार्केट में कोई दूसरा ब्रांड इतने आपको प्रॉपर फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा। अच्छा लुक एंड फील आपको मिल जाएगा, परफेक्ट गेमिंग मिल जाएगी, अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस, पंचनेस से आपको बेस एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अच्छी कॉलिंग, परफेक्ट गेमिंग टच सेंसर से ज्यादा आता है। इसको आप डेफिनेटली भाई बढ़िया नेक बैंड ऑप्शन में रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ भी आपको दिक्कत हो, कुछ पूछना हो आपको, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च विंग्स फैंटम 205 गेमिंग नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।